मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की पूरी कमान धर्मेंद्र यादव ने संभाल ली है, पार्टी के थिंक टैंक हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं आप, इलेक्शन आगे बढ़ रहा है? देखिए कोई पूरी कमान नहीं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथियों ने कमान संभाल रखी, हम लोग तो सहयोगी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव कोई आम चुनाव नहीं जैसा होता रहा है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो मैनपुरी के लोगों के जज्बात हैं, रिश्ते हैं नेताजी के साथ, उन रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने का, इमोशंस का पुट नजर आ रहा है, और नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। कोई पुट का सेंस नहीं है, किसी के भी परिवार में जब कोई घटना होती है, कोई बुजुर्ग जाता है, तो स्वाभाविक है परिवार के हर व्यक्ति को कष्ट रहता है। नेताजी मैनपुरी के, मैं समझता हूँ, हर परिवार के लोगों के बुजुर्ग के तौर पर, संरक्षक के तौर पर, यद्यपि पूरे प्रदेश के रहे लेकिन मैनपुरी के सांसद भी थे, और मैनपुरी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, नेताजी के लिए अपने छात्र जीवन से लेके जीवन की आखिरी सांस तक वो मैनपुरी से जुड़े रहे। मैनेजमेंट पर फोकस है सर आपका, आप लगातार ये कह रहे हैं कि कल भी देहली में कहा था अखिलेश जी ने, आज भी रामगोपाल जी आप लोग कह रहे हैं कि 2 से 5% तक वोट बढ़ा लिया जाए, लोगों को बुला लिया जाए, हम जीत जाएंगे। बिल्कुल वो गलती हुई कुछ विधानसभा के चुनाव में, थोड़ा थोड़ा वोट अगर बढ़ाए होते तो सरकार हमारी होती, तो हमारे कार्यकर्ता लोग इन चीज़ों से सबक भी ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे गाँव वाइज, बूथ वार और विधानसभा या लोकसभा के हिसाब से ज़्यादा वोट डालेंगे, और लोग आएंगे जो बाहर हैं वो भी आके वोट डालेंगे। जयवीर सिंह कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री कि इनका समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेज तो डंपिंग होती है। जयवीर सिंह जी से इन बातों को छोड़ो, हमें इस चुनाव को कहीं किसी के जवाब में नहीं ले आना चाहते। ये चुनाव क्या होता है क्या नहीं होता, जयवीर सिंह भी समाजवादी पार्टी में ही रखे गए हैं, जयवीर सिंह भी बसपा में रखे गए हैं, जयवीर सिंह आज भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, वो सारे टेस्ट चेंज करते हैं उस समय समय पे। तो इसलिए ऐसे लोगों से, वो कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में हैं, तो क्या उनकी बात करनी, किस दल में नहीं रहे और कोई नया दल गठित होगा, हो सकता है उसमें भी चले जाएँ। कहीं ना कहीं पूरी तरह सर कॉन्फिडेंट हैं आप? ये चुनाव मैंने कहा कॉन्फिडेंस का या कोई उस तरह का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इमोशंस का है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, नेताजी के जो भाव रहा है नेताजी के लिए यहाँ के लोगों के दिलों में, और नेताजी के दिल में जो यहाँ के लिए भाव रहा है, ये उसके चुनाव का ही आप एक तरह से प्रकटीकरण कह सकते हैं। विधि का विधान है, प्रकृति का वज्रपात हुआ कि आज हम लोगों को नेताजी हमारे बीच नहीं है, और चुनाव का सामना करना पड़ा, और जब सामना करना पड़ा है तो मैनपुरी के लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। ये भावनाओं का चुनाव है, ये नेताजी से मैनपुरी और मैनपुरी से नेताजी मानी जाती है, ये कहना है पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के, कहा जाए एक तरह से थिंक टैंक धर्मेंद्र यादव का। साथ ही उन्होंने उस सवाल पर भी पलटवार किया है जो जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट तो केवल डंपिंग होता है, उसका उनका कहना है कि जयवीर सिंह पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो दल बदलू हैं, हर एक दल में रह के आए। तो कुल मिला के कहा जाए इस बार समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है, और भावनाओं का जो ज्वार उमड़ रहा है, और उस ज्वार के जरिए एक बार फिर से उस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीतने का दावा कर रही है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।